सो हेलो गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विच इज मीटिंग रूम्स आओ देखते हैं एक बार इसको इसके अंदर क्या है ओके okay, सो so हमको एक टू डी आर गिवन है ऑफ एन क्रॉस टू डिनोटिंग टाइम इंटरवल्स राइट और हमें सिंपली क्या करना है ए आई एफ जीरो स्टार्ट टाइम है और ए आई वन इज़ द एंडिंग टाइम सो समथिंग लाइक दैट और हमको मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम निकालने हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे सच दैट कि सारी की सारी मीटिंग्स खत्म हो जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है जीरो से थर्टी तक एक मीटिंग चल रही है फाइव से टेन तक एक फिफ्टीन से ट्वेंटी तक एक ठीक है तो फाइव से टेन वाली ओवरलैप कर रही है जीरो से थर्टी के साथ फिफ्टीन से ट्वेंटी वाली भी ओवरलैप कर रही है जीरो से थर्टी के साथ ठीक है तो हम जीरो से थर्टी को एक रूम दे सकते हैं फाइव टू टेन एक रूम चूंकि उसके बाद फिफ्टीन टू ट्वेंटी उसी रूम को अक्वायर कर सकते हैं तो दो रूम्स लगेंगे एंड एज इट इज दो ही रूम लग रहे हैं ठीक है सो so, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन में सच समझने में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है हमें समाव देखना पड़ेगा कि हम इसका कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे ठीक है तो आ जाओ देखते हैं लेट्स uh, है यही एग्जांपल ले लेते हैं जीरो थर्टी फाइव टेन एंड फिफ्टीन ट्वेंटी राइट तो एक डायरेक्टली ब्रूट फोर्स ब्रूट फोर्स समझ में आती है क्या कि हमें मैक्सीम रूम्स uh, निकालने कितने होंगे मैक्सिमम अपना आंसर निकालना है तो मैं हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जैसे जीरो से स्टार्ट हो रहा है और थर्टी इज द एंडिंग सो so, जीरो से थर्टी के बीच में कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा ठीक है जीरो से थर्टी के बीच में ही कुछ ना कुछ मीटिंग चल रही होंगी अब अगर मैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर ये देख लूँ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने रूम्स ऑक्यूपाइड थे और उसमें जो मैक्सिमम होगा उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम रूम्स मेरे को चाहिए सिंपली जैसे वन टू ठीक है तो वन पे में आया वन किसके बीच में है इसके बीच में तो हुआ क्या हमने हर इंस्टेंस पे जाके हर एट्रीब्यूट पे जाके चेक किया कि वो किसके अंदर आ रहा है ठीक है तो वन लाइज इन बिटवीन जीरो टू थर्ड तो यहाँ पे कितने रूम चाहिए एक टू पे, पे कितने चाहिए एक थ्री पे कितने चाहिए एक फोर पे एक फाइव पे फाइव पे डिफरेंस है यार फाइव पे ये वाला रूम भी हो गया ये वाला रूम भी हो गया तो दो रूम चाहिए फाइव पे ठीक है तो मेरा अभी तक मैक्सिमम आंसर क्या है टू तो दो मीटिंग रूम्स तो चाहिए ही चाहिए सिक्स पे दो सेवन पे दो एट पे दो नाइन पे दो दस पे भी दो अब दस के बाद कितना हो जाएगा ग्यारह से पंद्रह के बीच में एक क्यों क्योंकि ये अब बाहर हो गया इसने मीटिंग रूम छोड़ दिया ठीक है तो समथिंग लाइक दैट तो ब्रूट फोर्स आई होप क्लियर होगा कि हम मिनिमम uh, से मैक्सिमम तक जाएंगे हर वैल्यू को चेक कर लेंगे किसके किस किस वैल्यू के अंदर है और जो भी अपना आंसर होगा उसमें से मैक्सिमम निकाल लेंगे एंड आई होप दिस इज क्लियर कि ये कितने टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी है मैक्स टाइम्स ऑर्डर ऑफ एन जो भी एन साइज होगा तो जो भी हमारा मैक्स बनेगा और एन बनेगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम यहाँ पर देखें थ्रू इट्स द टाइम्स ऑफ वैल्यू इट इज गोइंग तो विच इज़ टू इंटू टेन एज टू पावर नाइन इंटू टेन एस टू पावर फाइव डेफिनेटली ओवर कॉम्प्लेक्स हो गया है सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम अब हमें क्या करना होगा इसके लिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें इसे ऑर्डर ऑफ एन में समाओ सॉल्व करना पड़ेगा तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे तो इट इज सेम एज सेइंग हमें स्टार्टिंग ज़ीरो पता है जीरो से फाइव के बीच में क्या कोई चेंज आने वाला था कोई भी रूम में चेंज नहीं आने वाला था राइट क्यों क्योंकि जीरो से फाइव के बीच में और कोई मीटिंग है ही नहीं तो आएगा कैसे तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि जो हमारे लिए एक्चुअली में मैटर करता है वो ज़ीरो और फाइव करता है सिमिलरली जैसे ही टेन आ जाता मेरे पास तो हमारे पास मीटिंग रूम दो से वापस से एक भरा हुआ हो जाता इसकी वैल्यू है सिक्स सेवन एट नाइन की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर ये सब बीच की चीज़ें हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है ठीक है तो जो एंडिंग था उसकी वैल्यू थी और जो स्टार्टिंग था वो मैं ये बता रहा था कि अब एक और रूम ऑक्यूपाई हो गया एंडिंग थी वो मैं बता रहा था अब एक रूम खाली हो गया नेक्स्ट पे चलते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे अब तो हमको पता चल गया कि जैसे ही कोई एंटर हुआ तो हमने उस रूम को कर दिया लॉक तो हम लॉक को अपने बढ़ा देंगे प्लस प्लस कर देंगे कि भाई ज़ीरो आया प्लस प्लस कर दो सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू पे आता क्योंकि मेरे को एंट्री चाहिए कि कब और एंट्री हो रही है ठीक है तो जैसे ही मेरे को जीरो दिखा मैंने अपने रूम्स को बढ़ा दिया या लॉक को बढ़ा दिया फाइव एक और लॉक बढ़ गया टेन पे एक एग्जिट हुई है तो मैं लॉक को क्या कर दूंगा एक घटा दूंगा अब मेरा लॉक जो दो था वो एक हो गया होगा तो मेरे को टेक्निकली एक टाइम पे मैक्सिमम कितने रूम्स ये रहे थे दो तो वो मेरे को दिख गया यहाँ से ठीक है मैं आया फिफ्टीन पे फिफ्टीन तो एक और लॉक बढ़ा दो तो रूम चाहिए फिर अब मेरे को ठीक है क्योंकि जीरो से थर्टी ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है है ना तो फिफ्टीन पे आया फिफ्टीन ने लॉक बढ़ा दिया फिर आया यहाँ पर ट्वेंटी पे इसने लॉक को घटा दिया फिर थर्टी पे इसने लॉक को जीरो कर दिया अब मेरे पास कोई भी रूम नहीं ठीक है बट अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास दो लॉक्स थे तो हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दिया हम जीरो से मैक्सिमम तक नहीं जाएंगे मिनिमम से मैक्सिमम तक नहीं जाएंगे हम सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्सेस पे ही खेल सकते हैं अब प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको ऐसे कैसे लेके आए वहाँ तो मिनिमम से मैक्सिमम तक कर देते इजी था सिंपली एक लूप चलाना है ना वन से इंक्रीमेंट करते हुए यहाँ से कितने का इंक्रीमेंट करें तो बहुत रैंडम हो सकता है ना यहाँ पे सम हो ये फाइव फाइव का डिफरेंस दिख रहा है बट यहाँ आप देख सकते हो टेन का भी डिफरेंस है तो कुछ भी डिफरेंस हो सकता था तो क्या करें इसके लिए तो इसके लिए हमें एक सेपरेट एंटिटी बनानी पड़ेगी सच दैट कि वो इस ऑर्डर में अरेंज हो मेरे पास और मेरे को एक की फैक्टर मिल जाए जैसे यहाँ तो ग्रीन कलर में लिख दिया कि यार ये आने वाला डोर ओपनिंग वाला है और ये क्लोजिंग वाला है कि अपने यहाँ पे मीटिंग एंड कर दी बट एंटिटी में या कोई एरे में या कुछ कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में हमें पता कैसे चलेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम लोग इंसर्ट कर देंगे लेट से एंट्री को वन के साथ और एग्जिट को माइनस वन के साथ ठीक है क्योंकि हमको उतना ही उसमें से रिमूवल भी करना है कि, किसी भी तरीके से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं जस्ट द थिंग इज कि हमें पता होना चाहिए कि वो एंट्री है और ये एग्जिट है तो जीरो को वन के साथ थर्टी को माइनस वन के साथ फाइव को वन के साथ टेन को माइनस वन के साथ फिफ्टीन को वन के साथ ट्वेंटी को माइनस वन के साथ ऐसे हम अपने एरे में इसको इंसर्ट करते चलेंगे ठीक है अब जैसे ही हमने इंसर्ट किया हम इसको मार देंगे शॉर्ट शॉर्ट आ गया हमारे पास इस फॉर्मेट में इजी जैसे ही इस फॉर्मेट में आया हमारे पास ठीक है तो हम क्या करेंगे जी हम सिंपली इस पर लूप लगाएंगे लूप लगा के सारे वैल्यूज को इटरेट करेंगे वन है तो बढ़ा देंगे माइनस वन है तो घटा देंगे तो हमारे ये लॉक्स उसी हिसाब से बढ़ते घटते जाएगा अच्छा एक केस रह गया यहाँ पर लेट से ज़ीरो से फाइव तक एक मीटिंग थी फिर एक मीटिंग फाइव से टेन तक थी तो हमारे पास क्या एंसर शुरुआन वन फाइव माइनस वन और टेन माइनस वन तो मैं कौन से फाइव को पहले इंसर्ट करूं तो ये इसके लिए हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा थोड़ा सा इन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है या नहीं इफ अ मीटिंग एंड्स एट अ टाइम टी एंड अनदर मीटिंग स्टार्ट्स एट अ टाइम टी यूज़ द सेम कॉन्फ्रेंस रूम तो अगर जीरो से फाइव पे एक मीटिंग खत्म हो जाती है तो मैं इसी रूम को यूज़ कर सकता हूँ ठीक है तो अब मुझे शॉर्टिंग कैसे करनी होगी कि किलट से ज़ीरो आया ठीक है ज़ीरो से फाइव एंड फाइव से टेन तो मुझे क्या संभाव uh, एरे में मनाना पड़ेगा कि जीरो वन वाला पहले आए फाइव माइनस वन वाला पहले आए क्योंकि मेरे को इस रूम को खाली कर देना है अदरवाइज रूम दो हो जाएंगे रूम दो हो जाएंगे मेरे पास अगर मैंने फाइव वन को पहले रखा okay, तो ठीक है होप दिस इज मेकिंग सेंस ओके तो लेट्स डू दिस लेट्स डू दिस क्वेश्चन एज इट इज जैसा हमने देखा है ईजी क्वेश्चन है जस्ट हमें फिगर आउट करना था सामाओ कि कैसे इसको ब्रूट फोर्स से नॉर्मल में लेके जाना है ठीक है तो हम एक अपना एक एक एन बना लेते हैं विच इज साइज ऑफ द एरे एक आंसर जो कि रूम रख लेते हैं रूम इक्वल टू जीरो और फाइनली रिटर्न हमें रूम ही करना है ठीक है हम आते हैं हम सबसे पहले तो अपने को एक एरे बनाना पड़ेगा है ना अपना खुद का तो वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ पैर ऑफ इंटीजर बना देते हैं ठीक है फलेट से एके ए बना दे रहा हूँ मैं इसको और कोई साइज डिफाइन नहीं करता इसका आते हैं यहाँ पर फॉर इंटाईक् टू ज़ीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस यहाँ पर आते हैं ए आर आर ए में पुश बैक कराते हैं आ, क्या पुश बैक कराते हैं जी ए आर आर आई ज़ीरो और वन ठीक है इंसर्शन पे वन और सिंपली Uh, जैसे ही एग्जिट हुआ हमारा तो एंडिंग टाइम पे माइनस वन के साथ ठीक है इसको करा देते हैं जी शॉर्ट ए डॉट बिगिन और ए डॉट एंड और एक कंपेरेटर के साथ शॉर्ट कराएंगे ठीक है जैसा अपने को शॉर्टिंग चाहिए वैसे ही कर देंगे एंड अब अब जो अपने को आंसर निकालना है वो कहाँ से निकलेगा इस वाला से सिम्प्लैन निकल जाएगा फॉर ऑटो आई टी इन इफ़ अपने को सिंपली क्या करना है भाई हमको एक टेम्प्रेरी वेरिएबल रख लेते हैं कि टेम्प्रेरी रूम्स कितने थे टेम्प्रेरी रूम स्टार्टिंग में ज़ीरो रख देते हैं ठीक है और टेम्प्रेरी रूम uh, क्या कर देते हैं प्लस इक्वल टू आई टी डॉट सेकेंड ठीक है क्योंकि सेकेंड में अपने को क्या पड़ा है कि एंट्री हुई है तो वन एग्जिट हुई है तो माइनस वन तो अगर वन हुआ तो ऐड हो जाएगा माइनस वन हुआ तो घट जाएगा अपने आप ठीक है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी मेरे मैक्सिमम ऑफ टेम्पररी रूम्स होंगे वो मेरे को एज ए रिटर्न कराना है तो वो मैं सेव करा लेता हूँ ओके okay, तो ये हमने सेव करा लिया होप दिस इज क्लियर कंपेरेटर फंक्शन हम अपना लिख लेते हैं बूल कंपेरेटर पैर ऑफ इंटीजर इंटीजर माय मिस्टेक ठीक है Bull, रिटर्न क्या कर देंगे ए डॉट फर्स्ट मस्ट बी लेस देन बी डॉट फर्स्ट और अगर ए डॉट फर्स्ट मेरा इक्वल हो गया बी डॉट फर्स्ट से तो हम क्या करेंगे रिटर्न ए डॉट सेकेंड लेस देन बी डॉट सेकेंड ओके मेकिंग सेंस आई होप क्योंकि मुझे क्या करना है माइनस uh, वन को समाह रखना है ठीक है अगर सेम हो जाता है जैसे हमने बात की अभी सेम के केस में फाइव फाइव अगर सेम आ जाता है तो आई होप दिस इज क्लियर इसी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारे पास एन लॉग एन होगी राइट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हमने स्पेस यूज किया है एन क्रॉस टू बीइंग स्पेसिफिक ऑल्सो ऑल्सो चूंकि ये कंपेरिटिव बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा यहाँ पे उसका कारण ये है क्योंकि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया अगर मेरे पास इस केस में कुछ आ, ऐसा होता तो हमें शायद कंपैरेटर लगाना पड़ता राइट अभी के लिए मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही देगा अगर वैल्यू सेम होती है तो इस सेकेंड पर असेंडिंग देता है बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है सॉर्ट का तो दैट इज़ वन थिंग बट चूंकि हमने वन और माइनस वन डाला है और हमें माइनस वन पहले ही चाहिए Uh, तो हम सिंपली इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और सिंपल शॉर्ट से भी काम अपना चल जाएगा लेट्स ट्राई दैट एज वेल ठीक है तो एन लॉग इन कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस अपन ने यूज़ किया एंड सबमिट सही से हो रहा है दिस एज वेल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अपने को इंक्रीजिंग चाहिए था इन एनी वेज इट फर्स्ट बी इट सेकेंड तो इसलिए सही से चलेगा ऐसे भी होप अच्छा लगा सब्सक्राइब करना इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो बाय बाय